वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अपने फोन पे पाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं G5S Plus के बारे में। पर उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि वीडियोस बिल्कुल आ नहीं रही मेरी, एक दो महीने में एक वीडियो, उसमें भी कोई व्यूज़ नहीं आ रहे। तो इस बारे में इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दें। बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर से वीडियोस वापस से कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन कर लेंगे, अच्छे से वीडियोस डालेंगे। तो चलिए फ़ोन के बारे में बात करते हैं। तो इस फ़ोन का जो प्राइस आज अनाउंस हुआ है वो है 16,000 रुपये 4GB और 64GB मॉडल के बारे में, और जो कि सेल आएगी आज रात 11:59 से स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि फ़ोन में हमें क्या मिलता है और जो लोग पुराने G5 Plus यूज़र्स हैं उनको क्या अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन मिल जाती है। जो मेन फीचर इस फ़ोन में है वो है इसका डुअल कैमरा। पीछे आपको 13 मेगापिक्सल के दो कैमरे मिल जाते हैं, जैसे कि आप OnePlus 5 वगैरह में फ़ोटो क्लिक करते हैं वैसे ही आप फोटोज़ इस पर क्लिक कर सकते हैं, बट ये कम बजट में अच्छी चीज़ मिल रही है आपको। 4K रिकॉर्डिंग आराम से आप कर लेंगे 30 FPS पे। 3000 mAh की बैटरी कम लग रही है मेरे हिसाब से, बैटरी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए 35 या 4000 mAh। उसके अलावा दोनों सिम में 4G सपोर्टेड है, पिक्सल डेंसिटी अच्छी है, कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन है, एंड्रॉयड 7.1 नोगट है जिसमें बहुत जल्द ओरियो अपडेट आ जाएगा। उसके बाद आपको स्नैपड्रैगन 625 मिलता है ऑक्टा कोर का 2.0 GHz, एड्रीनो 506, स्टोरेज वही 4GB रैम, 64GB स्टोरेज एक्सपेंडेबल भी है। उसके अलावा आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, और बाकी चीज़ें आपको ब्लूटूथ, NFC, वाईफाई, GPS सब चीज़ें मिल जाती हैं। फ़ोन आपको लूनर ग्रे और फाइन गोल्ड कलर में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, क्या आप अगर एक G5 Plus यूज़र हैं ऑलरेडी तो आपको अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको अपग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे हर चीज़ ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक कैमरे का फ़र्क है कि आपको इसमें एक अलग से एक्स्ट्रा कैमरा मिल जाए और फ्रंट कैमरा में 5 से 8 मेगापिक्सल का फ़र्क है, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सेम है। बट अगर आपके ऑप्शन में G5S Plus आ रहा है तो फिर मैं ज़रूर उसको सजेस्ट करूँगा, अच्छा कैमरा मिलेगा आपको, अच्छा फ़ोन मिलेगा, एक 16,000 की रेंज में डुअल कैमरे का फीचर आप यूज़ कर पाएंगे एक अच्छी कंपनी से। तो ये इसके प्लस पॉइंट हैं, कैमरा क्वालिटी वगैरह अच्छी है, बट जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है कि G5 Plus से थोड़ा सा लो लाइट में फ़र्क आ सकता है कैमरा क्वालिटी में, शायद G5 Plus का बेटर है क्योंकि उसका जो एपर्चर था वो 1.7 था, बट ये तो वीडियो रिव्यूज़ और कैमरा रिव्यूज़ आने के बाद ही कन्फर्म हो पाएगा, इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, तो अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसकी तरफ जाएँ। और अगर आपका अपग्रेड करने का मन है G5 Plus से G5S Plus पे तो आप करें, बट अगर आप सोच रहे हैं कि अपग्रेड करने से बहुत फ़ायदा होगा तो कोई खास फ़ायदा नहीं, सिर्फ कैमरे का है, तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर G5 Plus पे हैं तो आप आउटडेटेड यूज़र हो गए। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।